Hello and welcome back to my YouTube channel once again. This is Gaurav Kumar, you are watching Aqua Life. So friends, today I'm going to talk about how to keep your tank water crystal clean, right? आज थोड़ा बहुत दिन बाद आया हूँ क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा है, राइट? सो मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप अपने टैंक का वाटर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर ही बहुत ही कॉमन बिगनर, जितना भी एक्वेरियम हॉबीज होते हैं, जो कॉमन यूज़र बिगनर रहते हैं, वो यहाँ पर लैक करते हैं, उनका वाटर क्लीन नहीं रहता। वो जब भी क्या करते हैं, बहुत ही ट्राई करते हैं अपना वाटर क्लीन रखने का, बट उनका वाटर क्लाउडी हो जाता है, उनका वाटर में ब्राउन एल्गी आ जाते हैं, ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, ठीक है? उनके वाटर का जो फिशेस का पुप होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं फिशेस में, फिल्ट्रेशन सही से वर्क नहीं करता। तो आज इसी सब के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं 3 से 4 टॉपिक पे बात करूँगा। नंबर 1 बात करूँगा मैं फिल्ट्रेशन के ऊपर। सेकेंडली मैं बात करूँगा आपको कि आपका फिश फूड का कैसा फीडिंग देना चाहिए। थर्डली मैं बात करूँगा आपके कि आप टैंक का जो ऑक्सीजन लेवल क्या मेंटेन रखें। और फोर्थली मैं बात करूँगा ग्रेवल के ऊपर। ग्रेवल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रेवल सही डिसाइड नहीं करने से क्या होगा, आपका वाटर का टैंक का वाटर क्लीन नहीं रहता है। ये एक ऐसा टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिल्ट्रेशन हम लोग का टैंक का सबसे कॉमन, जिसको बोल सकते हैं हार्ट, जो हम लोग का दिल का धड़कन होता है, वो टैंक का फिल्टर होता है, राइट? सो फिल्ट्रेशन में क्या होना चाहिए? फिल्ट्रेशन में 3 लेयर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल, केमिकल, और एक होता है जो कि होता है नॉर्मली, जो कि हम लोग कहते हैं मीडिया से जो क्लीन होता है, जैसे कि आपका स्पॉन्ज से क्लीन होता है, राइट? तो सबसे पहले वाटर क्या क्या आता है, वो स्पॉन्ज से क्लीन किया जाता है। थर्डली क्या करते हैं हम लोग, एमोनिया। थर्डली हम लोग क्या करते हैं, फिश वाटर का जो स्मेल होता है उसको कम करने के लिए, और जो भी एमोनिया लेवल को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं केमिकल फिल्ट्रेशन। एंड थर्डली इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, ठीक है? बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो कि इसमें हम क्या करते हैं, हम सिरेमिक रिंग यूज़ करते हैं, हम लोग बायोबॉल यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो हो गया आपका, क्या हो गया, वो हो गया बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। और मैकेनिकल फिल्ट्रेशन जानते हैं कि स्पॉन्ज से फिल्टर करते हैं डायरेक्टली, क्या करेंगे आपके जो फिशेज के जो पुप रहेंगे, जो वेस्ट रहेंगे, उसको वो कैप्चर करेंगे स्पॉन्ज, राइट? तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दे पाते, राइट? उनका जो फिल्ट्रेशन वाटर तो सक करता है, पर होता क्या है कि वो फिल्ट्रेशन वहाँ फेल हो जाते हैं। कैसे फेल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि उनका फिल्ट्रेशन क्या होता है कि वो इंटरनल फिल्टर यूज़ करते हैं। देखो, इंटरनल फिल्टर कभी भी यूज़ ना करो अगर आपके टैंक का साइज़ 2 फीट से ज़्यादा है, 2 फीट से कम है, अगर 1.5 फीट है, 2 फीट भी है, तो आप इंटरनल फिल्टर यूज़ करो, उसमें आपका टैंक अच्छे रहेंगे। लेकिन मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि बड़े टैंक के लिए आप इंटरनल फिल्टर यूज़ ना करो। आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लो, आप कहीं भी नहीं देखोगे कि कितने भी एक्वेरियम हॉबीज होते हैं वो इंटरनल फिल्टर रिकमेंड नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरनल फिल्टर में होता क्या कि आपका जो वेस्ट रहेगा वो टैंक के अंदर ही स्टोर होता है, राइट? जिसके वजह से क्या होता है, आपका टैंक का एमोनिया लेवल बढ़ेंगे, नाइट्रेट बढ़ेंगे, और आपके फिशेज के कलर स्ट्रेस रहेंगे, जिसके वजह से आपके फिशेज के कलर भी नहीं ग्रो करेंगे, और आपके फिशेज ग्रो नहीं करेंगे, मर जाएंगे, राइट? तो आप टॉप फिल्टर यूज़ करो, सम्प यूज़ करो, या कैनिस्टर फिल्टर यूज़ करो। इससे होता है कि आपके जितने भी वेस्ट होते हैं फिशेज के, वो सेपरेट हो जाते हैं, और वो आप उसको 15 डेज में आप उसे क्लीन कर सकते हो, ठीक है? थर्ड, और अपने वाटर का टैंक का जो वाटर होता है उसे आप हमेशा चेक करते रहें कि कितना आपका, अगर ज़्यादा आपका टैंक गंदा हो रहा है तो आप उसे 15 डेज में वाटर चेंज करें, 30% चेंज करें, पूरा चेंज ना करें। पूरा चेंज करने से क्या होगा, आपका जो टैंक में जो बैक्टीरिया का जो बैलेंस, वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। बैक्टीरिया डिसबैलेंस होगा तो होगा कि आपका टैंक क्लाउडी होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारा टैंक, आप अगर बिगनर है तो आप लोग देखे होंगे कि आपका टैंक क्लाउडी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस समय बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, राइट? तो उतना डरने का नहीं है, बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे तो आपका टैंक क्लाउडी होगा ही, ठीक है? तो आप ज़्यादा टैंक क्लीन ना करें, ठीक है? 30% वाटर चेंज करें, और 30% वाटर स्टोर वाटर, जो आप वाटर अगर आप एक्वेरियम रख रहे हो तो ऑब्वियसली आप वाटर भी स्टोर करते होंगे, तो स्टोर वाटर को आप टैंक में डाल दें, कोई सेपरेट टैंक में डाल दें, किसी ड्रम में रखे वाटर को, ठीक है, जिसमें ओल्ड वाटर रहे उसको आप टैंक में डाल दें, राइट? तो क्या होगा, आपका बैक्टीरिया कभी भी डिसबैलेंस नहीं हो गया। और जब भी आप फिल्टर क्लीन करें, जब भी आप टैंक क्लीन करें, तो आप फिल्टर कभी भी क्लीन ना करें। आप टैंक क्लीन करें उससे 5 डेज आगे या 2 डेज आगे फिल्टर को क्लीन कर दें। इससे क्या होगा, आपका तो वाटर का तो बैक्टीरिया लेवल कमेगा ही, साथ में क्या होगा, आपका आपका क्या होगा, वहाँ जो फिल्टर है उसका भी बैक्टीरिया लेवल कम जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते, राइट? तो बैक्टीरिया को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके वजह से हम लोग का टैंक ग्रो करता है, टैंक सही से सेटअप रहता है। तो ये हम बात कर लिए फिल्ट्रेशन के ऊपर, राइट?
अब हम बात करते हैं कि फिश फूड कैसे फीड करना चाहिए। फिशेस को क्या करते हैं बहुत लोग कि फिश को फीड दे दिए और वो चले जाते हैं, वो देखते नहीं मेरा फिश खाए कि नहीं खाए, वो फिश फ्लोट कर रहे कि नहीं कर रहे, राइट। तो आप ध्यान दें कि अगर आपके फिशेस उतना ही फिश को फीड करें जितना आपके फिशेस 2.5 मिनट में कंज्यूम कर लें, इतना भी ज़्यादा फीड नहीं करना कि फिश का जो फूड है वो फ्लोट कर रहा है। होता क्या है कि फिश का फूड अगर फ्लोट करते रहेंगे तो वो अपने कलर को रिलीज़ करेंगे वाटर में और आपका कलर वाटर गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो फिश फूड उतना ही दे, अगर बच जाता है फिश फूड तो उसे आप नेट के ज़रिए निकाल करके उसे बाहर फेंक दें, राइट। तो उतना ही फिश फूड यूज़ करें जितना आपके फिशेस 2.5 मिनट में कंज्यूम कर लेते हैं। और आपको अपने फिशेज को वीक में 2 डेज फीड करना है, 2 to 3 times फीड करना है, राइट, ज़्यादा फीड नहीं करना है। और अब बात कर लेता हूँ, ये तो फीडिंग हो गया, राइट। अब हम बात कर लेता हूँ कि ग्रेवल कौन सा यूज़ करना चाहिए, राइट। बहुत लोगों को ग्रेवल का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, वो क्या करते हैं यूट्यूब में देखेंगे कि कोई बंदा सैंड यूज़ कर रहा, देखने में टैंक अच्छा लग रहा तो सैंड यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो उनको नहीं देखेंगे कि उनके टैंक में क्या फिशेस है, मेरे टैंक में क्या फिशेस है, वो कौन सा फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, मैं कौन सा फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या 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 मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, मैं क्या मेडिसिन, वो सब आपको भी देखना होगा, राइट। तो अफ्रीकन सिकलेट के लिए हम लोग बहुत देखते हैं कि सभी लोग सैंड यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वो छोटे साइज़ के फिश होते हैं अफ्रीकन सिकलेट, तो होते क्या वो उनका वेस्ट जो होता है बहुत ही कम करते हैं, राइट, जिसके वजह से क्या होता है वो फिल्ट्रेशन इजिली उसको सक कर सकता है। लेकिन अगर बड़े फिल्टर्स की बात कर लेते हैं जैसे कि पैरट हो गया, ऑस्कर होते हैं, वो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा पुप करते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं कि वो वाटर में रोटेट करता रहे, अगर आप सैंड यूज़ करेंगे तो क्या होगा वो रोटेट करता रहेंगे वाटर में, इसीलिए आप ग्रेवल यूज़ करें। अगर आपके पास बड़े बड़े फिशेस है तो आप ग्रेवल यूज़ करें, ग्रेवल यूज़ करेंगे तो क्या होगा उनका जितना भी वेस्ट होगा वो टैंक के ग्रेवल के अंदर जाके स्टक कर जाएंगे, और जब भी आप वाटर क्लीन करें साइफन के ज़रिए उसे आप साइफन कर सकते हैं, राइट। तो क्या होगा आपका वाटर क्लीन रहेगा, ठीक है। तो आप फिल्टर जब भी अगर बड़े फिशेस हो तो आप ग्रेवल यूज़ करें, छोटे छोटे साइज़ के फिश है जैसे गोल्ड फिश हो गया, आपके पास एंजल फिश हो गया, तो उसके लिए आप सैंड यूज़ कर सकते हैं, बड़े फिशेस के लिए कभी भी सैंड यूज़ ना करें, ओके। अब हम बात कर लें फोर्थली जो बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल। तो फिल्ट्रेशन ऐसा यूज़ करें जिसमें आपको वाटर मूव करे, कभी भी फिल्ट्रेशन को ऐसा यूज़ ना करें कि सिर्फ आपका ऑक्सीजन लेवल प्रोड्यूस कर रहा है और वाटर शांत है, ऐसा नहीं, वेव बनना चाहिए वाटर में, राइट। ऐसा फिल्ट्रेशन यूज़ करें जो आपका वाटर पूरा रोटेट करे, पूरा रोटेट करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक आपका वाटर का ज़्यादा रहेगा और आपके फिशेज भी हेल्दी रहेंगे और आपका टैंक जो होगा वो क्लाउडी नहीं होगा, ठीक है। थर्डली अगर हम बात करते हैं तो ये सब हो गया। सो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, और जब भी सप्ते में वाटर को आप 30% चेंज करें, अगर ज़्यादा बोलने जाऊँगा तो और ही बहुत सारे टॉपिक है तो वो बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 30% वाटर चेंज करें, ज़्यादा चेंज नहीं करना होगा। और आप अपने फिशेस को 2 to 3 times फीड करें, और उतना ही फीड करें जितना कि 2.5 मिनट में आपका फिशेस कंज्यूम कर ले फिश फूड, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो जरूर लाइक करें और कमेंट करें कुछ पूछना हो तो। मैं ट्राई करूँगा कि एवरी वीक में वीडियो डालूँ, और मैं अपने टैंक का अपडेट के ऊपर भी वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पैरेट फिश को उस टैंक से इस टैंक में शिफ्ट कर दिया हूँ, राइट। क्योंकि वो अब कम्प्लीटली, जो आप लोग जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो वो जानते हो कि मेरे पैरेट फिश को हेक्सामीटर हुआ था, होल इन द हेड हुआ था, वो अब टोटली कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने उसमें इस टैंक में शिफ्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को चैनल जो सब्सक्राइब कर दिए, चलिए बाद में।